बॉडी को मेंटेन और फिट रखना बेहद जरूरी हो गया है। आज के समय में स्वस्थ रहना तो हर कोई चाहता है, पर आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में रोजाना डाइट फॉलो कोई नहीं कर सकता है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी है धनबाद के न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर मनीषा मीनू। आज हम इनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि रोजाना कौन से डाइट को फॉलो करें और कौन सा एक्सरसाइज करें ताकि बॉडी मेंटेन और फिट रह सके। तो आइए हम सीधा इनसे जुड़ते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं बॉडी को मेंटेन और फिट रखने के लिए कौन सा एक्सरसाइज और या डाइट फॉलो किया जाना चाहिए। बॉडी को मेंटेन या फिट करने के लिए एक्सरसाइज वाइज आप कार्डियो भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। दोनों ही का मिक्सचर हमेशा बॉडी फिट रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए तो न्यूट्रिशन बेसिकली होता है कि हम संपूर्ण न्यूट्रिशन लें जिसमें सही मात्रा में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हो और वाटर और बाकी विटामिन और मिनरल्स भी हों। इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि इनकी मात्रा कितनी सही है। तीसरी चीज़ है कि स्लीप का जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं कि 7 to 8 hours की स्लीप, नींद देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चौथी चीज़ है कि वाटर इनटेक आपका कम से कम 3 to 4 liters होना बहुत ज़रूरी है और स्ट्रेस मैनेज करना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। अगर इनको भी आप मैनेज कर सकते हैं तो बॉडी फिट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप हो जाएगी। क्या इसमें नींद भी ज़रूरी है कोई आवर्स के? हाँ जी, नींद बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि कई बार हमारी आदत है कि रात में लेट से सोना, सुबह जल्दी उठ जाना, बीच में कभी नैप ले लेना, पर हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा शरीर कंटिन्यूस काम करता रहता है। अगर हम 7 to 8 hours की नींद प्रॉपर इसे नहीं देते हैं तो हमारा डाइजेशन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी एफिशिएंसी पे जो हम वर्क करते हैं उस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 20 to 50 years की उम्र के हैं तो मिनिमम 7 to 8 hours की नींद लें और उससे कम एज के हैं तो कम से कम 9 to 12 hours की नींद ज़रूर लें। यदि कोई कम लेता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट? हाँ जी, बहुत इफेक्ट पड़ता है। एक तो ऑब्वियसली आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि आपका डाइजेशन उतना अच्छा नहीं रहता, हमारी एफिशिएंसी ऑफ वर्क। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप घर में किसी भी एक मजदूर को काम पे लगाते हैं और कंटिन्यूस उसे काम ले रहे हैं पर उसे रेस्ट नहीं दे रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी ऑफ वर्क पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। आज पहले दिन वो अच्छा काम करेगा पर उसका वर्क रिड्यूस होता जाएगा। सिमिलरली हमारी बॉडी भी सुबह से रात तक कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है और अगर उसको रात में प्रॉपर जो उसकी ज़रूरत है नहीं देंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी ब्रेन पे, हमारे डाइजेशन पे, हमारे हॉर्मोन्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पड़ता है, जो हमें बहुत टाइम के बाद समझ में आता है जिसे हम लाइफस्टाइल चेंज में इंक्लूड करते हैं। मसल्स टोनिंग और फैट लॉस के लिए किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? मसल टोनिंग एंड फैट लॉस दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बट एक कॉमन चीज़ है जिसको उसका ध्यान रखना चाहिए, वो है कि हमें कैलोरी डेफिसिट में खाना है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब हुआ हर शरीर के वर्किंग के लिए एक कैलोरी नियुक्त की जाती है जो उसके एज, हाइट और उसके वर्किंग कंडीशन पर डिपेंड करता है। जब उतने कैलोरी से हम कम करते हैं सही मात्रा में प्रोटीन लेके, तब हमारी बॉडी से ज़्यादातर फैट कम होता है। अब इसी को हम अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ इंक्लूड करते हैं तो उस केस में हमारी बॉडी में मसल टोनिंग भी होती है और फैट लॉस भी होता है। पर इसके साथ मैं दोबारा बोलना चाहूँगी कि वाटर इनटेक 3 to 4 liters और स्लीप प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है। हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग डाइट प्लान होते हैं या फिर कोई सेम रहता है? जी, हर उम्र के लोगों के लिए डाइट प्लान डिफरेंट होता है क्योंकि हम अपने में यूनिक हैं। हमारी एज, हमारी हाइट, हमारी लाइफस्टाइल कंडीशंस, हमारी BMR, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हर इंसान के लिए अलग होता है, तो इनकी डाइट भी उसके अनुसार बनाई जाती है। अगर कोई इंसान सेम हाइट का है और सेम वज़न का है पर ज़रूरी नहीं है कि सेम डाइट भी उन लोग पे सेम वर्क करे। किसी में होता है, हम देखते हैं कि कोई सेम खाना खा के भी किसी इंसान का वज़न बढ़ता है, किसी का कम होता है। ये कम्प्लीटली मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली सबकी डाइट डिफरेंट होती है, कोई भी डाइट सिमिलर नहीं हो सकती। तो क्या उम्र में भी कोई फ़र्क पड़ता है, उम्र के हिसाब से कोई डाइट प्लान चेंजिंग? हाँ जी, उम्र के साथ बहुत फ़र्क पड़ता है। हर उम्र के लोगों के हिसाब से उनके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। जैसे बच्चों में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है,
जैसे कि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उनमें, क्योंकि वो डेवलपिंग चाइल्ड हैं। जब एक बार आप 20 की उम्र क्रॉस कर जाते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाता है, हमारे हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो हमारा प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है। बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि हम प्रोटीन को सिर्फ बढ़ते हुए लोगों के लिए रखते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत है। जो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं उनको रीजनरेट करने के लिए प्रोटीन ज़रूरत है। इसीलिए हर उम्र के लोगों के लिए डाइटरी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। क्या क्या डाइट और प्रोटीन? डाइट प्रोटीन में बेसिकली देखिए क्या होता है, हर एक की मार्किंग होती है। जनरली जो एवरेज बोला जाता है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का अकॉर्डिंग बोला गया, जो हैदराबाद में है NIN, उसने कहा है कि 0.8 से लेके 1 ग्राम पर बॉडी वेट हर इंसान को देना चाहिए प्रोटीन, पर ये रिक्वायरमेंट चेंज होती है। अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो 1.3 ग्राम पर बॉडी वेट देना चाहिए। अगर कोई बहुत हैवी वर्कलोड करता है तो उसकी 2 ग्राम पर बॉडी वेट होता है। तो बहुत चीज़ पर डिपेंडेंट है ये प्रोटीन इनटेक, पर प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है। मिनिमम भी अगर आप 70 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरे दिन भर में लेते हैं, जो हमारे इंडियन डाइट में नहीं है, तब भी आपका हेल्थ बहुत बेटर हेल्थ स्टेटस पे रहता है। तो क्या मैम बिना एक्सरसाइज और जिम किए भी बॉडी को मेंटेन रखा जा सकता है? हाँ, एक हद तक रख सकते हैं। एक होता है एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी, एक होती है नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी। हम नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करके अपने हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, जिसमें आता है कि आप जनरल भी घर में जो वर्क करते हो, हेल्पर्स की मदद कम लेके खुद वो काम करके भी हम अपनी स्टेप काउंट को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि नीचे से सामान उठाना या कुछ लाइटर वेट्स को उठाना, वो हम अगर खुद से करें तो हो सकता है स्टेप काउंट्स बढ़ा के। नॉर्मल योगा करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके भी हम बिना जिम गए भी अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रेस और जो मेंटेन हेल्थ है, इसमें शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है ज़्यादा स्ट्रेस लेने से? स्ट्रेस का या मेंटल प्रेशर का बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, और हम यही सोचते हैं कि इस स्ट्रेस का हमारे शरीर पे या हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स पे उस पर असर नहीं पड़ता है। पर अब जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो ये एक फेनोमेना है जिसमें हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा मसल टेंस हो जाता है। ये कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हायर हार्ट रेट पर मेंटेन रहें तो हमारे हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है या ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इनका असर हमारे हॉर्मोन्स की फंक्शनिंग पे भी पड़ता है। जब आप बहुत स्ट्रेस्ड रहते हो तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है, वो हमारे बाकी हॉर्मोन्स की फंक्शनिंग को रिड्यूस कर देता है, जिसका असर आपकी डाइजेशन पे भी होता है, कंसंट्रेशन पे भी होता है, कंसीविंग पे भी होता है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें रखते हैं अपनी बॉडी में या अपने सराउंडिंग में, तो आपका बॉडी हेल्थ डिटोरिएट करता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। आजकल देखा गया है कि बॉडी को मेंटेन और फिट रखने के लिए मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के सप्लीमेंट निकले हैं, तो क्या ये सब सप्लीमेंट को लेना कितना हद तक सही है? क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है? सप्लीमेंट का मतलब होता है कि हमें वो चीजें लेना जो हमारे खाने से हमें नहीं मिल रही है, उन्हें कहते हैं हम सप्लीमेंट। सप्लीमेंट लेना उन्हीं के लिए उचित होता है जिनके अंदर उसकी डेफिशिएंसी होती है। अगर किसी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या कोई प्रोटीन ले रहा है और उसके खाने से प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा है, तो सप्लीमेंट लेने में कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन सप्लीमेंट हमेशा डॉक्टर्स या हेल्थ एक्सपर्ट या न्यूट्रिशनिस्ट के सुपरविजन में ही लेना चाहिए। अदरवाइज उसको ना लें, जब आपको नॉलेज नहीं है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा सप्लीमेंट्स लें जब आपको आपके डाइट से नहीं मिल रहा है। अगर से वही चीज मिल रही है तो सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना प्रभावी साबित होता है? वेट लॉस के लिए बेसिकली एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कैलोरी डेफिसिट। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या करता है, वो हमारे खाने वाली विंडो को कम कर देता है। ये दो चीजों में डिवाइडेड रहती है कि आपने 16 आवर्स का फास्टिंग किया, 8 आवर्स की विंडो में आप खाना खा रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने खाने वाले विंडो को ही कम कर दिया है। 8 घंटे में आप कम खाना खा पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम डेफिसिट में चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट लॉस हो जाता है। जनरली साइंस कहता है, बहुत सारे रिसर्च इस पर हो चुके हैं कि डायबिटीज़ या जिनका थायराइड प्रॉब्लम है या PCOS है, इनमें इंटरमिटेंट बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। पर यह प्रूव नहीं हुआ है कि वो इंटरमिटेंट की वजह से हुआ या कैलोरी डेफिसिट पे थे इसकी वजह से हुआ।
विटामिन के लिए लोगों को कौन कौन सी हरी सब्जियां खाना चाहिए ताकि शरीर मजबूत हो और फिट रह सके? विटामिन्स मिनरल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके खाने में कम से कम 2 से 3 बार हरी सब्जियां हों, जिनमें पालक, गोभी, बैंगन, भिंडी, लौकी सब इंक्लूडेड हैं। फ्रूट्स कम से कम कोई भी एक होना चाहिए जो भी स्पेशली सीजनल हो, क्योंकि जो अनसीजनड होता है उसमें ऑब्वियसली उनको पकाने के लिए अलग तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ की जाती हैं जो नहीं यूज़ करना चाहिए। तो जो सीजनल है वो फ्रूट्स लें, ये सफिशिएंट होता है कि अगर हम संतुलित आहार लें, सही मात्रा में फ्रूट्स, सही मात्रा में वेजिटेबल्स, सही मात्रा में दालें, वैरायटी की दालें, तो हमारा संतुलित आहार ही हमें फिट रखने के लिए सफिशिएंट होता है। कौन कौन सा एक्सरसाइज ज़्यादा प्रभावी होता है? जैसे मैंने पहले ही कहा था कि एक्सरसाइज मिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो का हमेशा सब हेल्पफुल रहा है। कोई भी तरह का एक्सरसाइज अगर आप 150 मिनट पर वीक करते हैं, मतलब आधे घंटे भी अगर एक हफ्ते में करते हैं, आधे घंटे हर दिन 5 दिन भी, तो आपका वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कार्डियक हेल्थ बेटर होता है। तो अगर कोई भी भले आप वॉकिंग कीजिए या नॉर्मल हल्दे लाइटर वेट ऑफ डंबल से भी एक्सरसाइज कीजिए, तब भी आपके मसल टोनिंग होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी लिफ्टिंग ही करें, ये आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है। पर अगर आधे घंटे की भी हर दिन आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके हेल्थ को बेटर करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में जो बॉडी को मेंटेन फिट नहीं रख पाते हैं, काम से उनको फुर्सत नहीं मिल पाता, तो ऐसे लोगों को आप क्या कुछ सलाह देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक ही सलाह देती हूँ कि हम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं ये हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ही कर रहे हैं। हमें अपनी प्रायोरिटी समझनी होगी। अगर हम अपनी प्रायोरिटी नहीं समझेंगे तो अपने हेल्थ को भी उतना वैल्यू नहीं करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी प्रायोरिटी अपने हेल्थ को करें। एक एग्जाम्पल ही दूंगी इसके लिए कि हम पूरी उम्र अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, बस हम उस चीज़ के लिए पैसे जोड़ते रहते हैं कि बाद में जाके ये हॉस्पिटल में काम आएगा। तो ये बहुत बेटर है कि पहले से ही इस चीज़ की, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है अपने हेल्थ का ख्याल रखना। जैसे मैंने कहा, सही मात्रा में खाना, सही मात्रा में एक्सरसाइज, वाटर इनटेक, स्लीप का अच्छा होना ही सफिशिएंट है अपने हेल्थ का ख्याल रखने के लिए। तो भाग दौड़ जिंदगी में हम अपनी नींद का, अपने खाने का, अपने पानी का ख्याल तो रख ही सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। जैसा कि अभी आपने डॉक्टर मनीषा मीनू को सुना, उन्होंने बताया कि सही मात्रा में खाना, जैसे दाल, चावल और सब्जी हो गए, और साथ ही सही मात्रा में नींद भी जरूरी है, और सही मात्रा के साथ पानी पीना भी हमारे सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है।